बाड़मेर में परिजनों से मिलने पहुंचे राजपूत कर्णी सेना की टीम, जिन्होंने जल्द ही हत्या के खुलासे की मांग की है। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में विगत 27 जून की सुबह सिरसागंज के टावा रोड पर नवीन गल्ला मंडी के पास सब्जी आड़ती पवन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए। वहीं 3 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस अभी तक बदमाशों का पता नहीं लगा सकी। इसी के चलते राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष निशांत जादौन ने अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं गुरुवार को जिलाध्यक्ष निशांत जादौन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अभी तक पवन के हत्यारों को पकड़ नहीं पाई और बताया कि हमारी पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ है। टीम शुक्रवार को सिरसागंज तहसील पहुंचकर एसडीएम सिरसागंज नवनीत कुमार गोयल को ज्ञापन देगी और बताया अगर जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उनकी टीम आंदोलन करने को बाध्य होगी। आदित्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। मेरा नाम ठाकुर निशांत जादौन है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। जैसा कि आप सभी को पता है, रविवार को पवन अपनी आड़त पर जा रहे थे, सुबह 4 बजे उनके बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पहले दो दिन तो ऐसा लग रहा था पुलिस अभी खुलासा कर देगी, आज 5 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। उनके परिवारजनों के पीड़ित परिवार के साथ हम शुरू से हमारी टीम उनके टच में है और बातचीत हो रही है उनसे बराबर, और वो थाने में जाते हैं तो उन लोगों से बोल दिया जाता है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको नहीं बता सकते हैं। अभी पुलिस का ये रवैया है कि वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या तो मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, कड़ी सेना की पूरी टीम की यही मांग है कि शासन प्रशासन इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे और पीड़ित परिवार को न्याय दे, जिसमें अगर वो पीड़ित परिवार का साथ नहीं आता पुलिस प्रशासन तो कड़ी सेना पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और हम सब लोग कल इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द पुलिस का खुलासा करे, नहीं तो कड़ी सेना उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा।